Assalamu Alaikum dear students I hope you all are fine by the grace of Allah Dear students, in your subject of history we are discussing chapter 2nd which is from hunting gathering to growing food In this chapter, I have explained you the first topic which is the earliest people, why were they on the move? Aaj hum padenge, how do we know about these people Hame kaise pata chala in purane zamane ki logun ke hame kaise pata chala? Archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used. आर्क्योलॉजिस्ट जो हैं मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया आर्क्योलॉजिस्ट्स वो लोग होते हैं जो स्टडी करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि इन पुराने जमाने के लोगों ने बनाए हैं और यूज़ किए हैं आर्क्योलॉजिस्ट जो है उनको मिली है कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हंटर गैदरर्स ने बनाई हैं और यूज़ की है इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन वुड एंड बोन ऑफ विच टूल्स स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट ये पता चला है कि जो ये पुराने जमाने के लोग थे हंटर गैदरर्स थे इन्होंने कुछ चीजें बनाई हैं और इन्हें यूज की गई है आ, उन्होंने क्या बनाया है औजार बनाए हैं टूल्स बनाए हैं किन के स्टोन्स के टूल्स बनाए थे वुड के टूल्स बनाए थे बोन्स हड्डियों के टूल्स बनाए थे जिनमें से स्टोन टूल जो है जो कि पत्थरों के बने हुए औजार थे वो ज्यादा टाइम तक बचे रहे सम ऑफ दी स्टोन टूल्स वे आर यूज टू कट मीट एंड बोन्स क्रेप बाग एंड हाइड्स चॉप फ्रूट एंड रूट्स इनमें से कुछ स्टोन टूल्स जो है जो कि मतलब के स्टोन के बने हुए औजार थे उनको यूज़ किया जाता था मीट कट करने के लिए बोन्स कट करने के लिए Uh, ये पेड़ों की जो छाल है वो निकालने के लिए आ, एनिमल्स की खाल निकालने के लिए फ़्रूट्स को चॉप करने के लिए रूट्स को चॉप करने के लिए ये स्टोन टूल्स कुछ स्टोन टूल्स यूज़ किए जाते थे ये जो हंटर uh, गैदरर्स थे ये जानवरों का शिकार करते थे फिर जब ये खाते थे उनको तो उनकी जो ये खाल है जानवरों की तो वो इसको यूज़ करते थे वो इसको निकालते थे फिर यूज़ करते थे एज़ अ क्लोथ अपने ऊपर पहनते थे जैसे कि आजकल हम कपड़े पहनते हैं, वैसे ही पुराने जमाने में जो ये हंटर गैदरर्स थे ये एनिमल्स की खाल जो है जानवरों की खाल को पहनते थे यूज करते थे एज ए क्लोथ

वो एरोज़ और स्पेयर्स यूज किए जाते थे फिर और भी ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता था लकड़ी काटने के लिए फिर उस लकड़ी को यूज़ किया जाता था एज अ फायर वुड जलाने के लिए जो लकड़ी फिर होती थी मतलब कि ये उस वुड को चॉप करने के लिए ये टूल्स यूज़ होते थे और भी हट्स बनाने के लिए ये टूल्स यूज़ होते थे फिर ये लकड़ी जो है ये यूज़ की जाती थी हट्स बनाने के लिए टूल्स बनाने के लिए चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन अब ये लोग कैसी जगहों पर रहते थे किस टाइप की जगहों को ये प्लेसिस को ये चूज करते थे रहने के लिए लुक एट मैप टू ब्लो आल द प्लेसिस मार्कड विद रेड ट्राइंगल्स आर साइट्स फ्राम विच आर्कलॉजिस्ट हैदरस आप देख सकते हैं मैप जो दिया गया है इसमें जो जगहें हैं प्लेसिस हैं जिसको रेड ट्राइंगल से मार्क किया गया है ये ऐसी जगह है जहाँ पे हंट ये जो आर्कोलॉजिस्ट्स हैं उनको हंटर गैदरर्स के एविडेंसेस मिले हैं मतलब कि वो इन जगहों पे आए हैं और रह चुके हैं आप देखिए मैंने इनको एनसर्कल किया हुआ है पहला है बिम्बेद का की है और है कुरनूल केव्स ये कुछ ऐसी साइट्स है ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हंट ये जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं उनको हंटर गैदरर्स के एविडेंसेस मिले हैं मतलब कि हंटर गैदरर्स यहाँ आए और रह चुके हैं अब आप सोचोगे हंटर गैदरर्स तो कहाँ रहते नहीं थे वो तो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे दैट्स ट्रू बट ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं मतलब कि तेज़ बारिश से बचने के लिए हीट से बचने के लिए तूफान से बचने के लिए कभी कभार क्या करते थे इन केव्स में मतलब कि रॉक शेल्टर लेते थे गुफाओं में जाते थे वहाँ पे रहते थे इस एक्सट्रीम वेदर से बचने के लिए मतलब कि टम्प्ररी अरेंजमेंट होता था हमेशा के लिए वो वहाँ नहीं रहते थे बस कुछ टाइम के लिए वो वहाँ रहते थे ज़्यादातर जो है ये जो प्लेसिस है जिनको रेड ट्रायंगल से मार्क किया गया है वहाँ पे ज़्यादा केव्स मिली है रॉक शल्टर्स मिले हैं उनमें पेंटिंग्स मिली है जो कि ड्रा की है इन्हीं हंटर गैदरर्स ने ये कुछ एविडेंसेस हैं जो हमें बताती है जो आर्कियोलॉजिस्ट को बताती है कि यहाँ पे हंटर गैदरर्स आए यहाँ पे वो रह चुके हैं इन इस मैप पे कुछ ही जगहों को दिखाया गया है जहाँ पे हंटे गैदरर्स के एविडेंसेस मिले और भी बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे ये रह चुके हैं और जो ये साइट्स है जो ये जगह है ये ज़्यादातर पाई गई है रिवर्स और लेक्स के नज़दीक क्यों क्योंकि हंटे गैदरर्स तो ज़्यादा रिवर्स और लेक्स के पास ही रहते थे क्यों क्योंकि उनको पानी वहाँ पर ईज़िली अवेलेबल होता था तो इसी वजह से ये जो साइट्स है ये मिली है न, नदियों और तालाबों के नज़दीक ही एज स्टोन टूल्स वेरी इंपॉर्टेंट पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस वेर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल क्योंकि इनके लिए स्टोन टूल्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे ये शिकार करते थे उनसे चॉपिंग करते थे कटिंग करते थे उन स्टोन टूल से तो ये क्या करते थे उन जगहों को ढूंढते थे जहाँ पे इनको गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन ईजिली अवेलेबल होता था इजिली मिलता था रॉक पेंटिंग्स एंड वाट डिड द टैलस रॉक पेंटिंग्स जो कि इन केव्स में मिलती है ये हमें क्या बताती है इनसे हमें क्या पता चलता है मनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव है बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश दिज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल कुछ ऐसी केव्स है जहाँ पे अर्ली पीपल जो है एंड गैदरर्स जो है वो वहाँ पे रहते थे तो वो खाली टाइम में क्या करते थे वो खाली टाइम में पेंटिंग करते थे इन केवज़ की दीवारों पर पे वो पेंटिंग वो ऐसी तो पेंटिंग नहीं होती थी जैसी आज बनाते हैं वो लाइन पेंटिंग होती थी मतलब कि ऐसी लाइंस ड्रा करते थे तो ये क्या करते थे अपने खाली टाइम में वो पेंटिंग्स इन्वॉल्व पे ड्रा करते थे तो आ, कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन पेंटिंग्स की कहाँ पे मिलती है मध्य प्रदेश और साउदर्न उत्तर प्रदेश में जो केव्स है जैसे कि भिम्बे का केव्स है कुरूल केव्स है वहाँ पे ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं इन पेंटिंग्स के वहाँ पे ये पेंटिंग्स मिलती है तो ये पेंटिंग्स जो है वो क्या करती है दिखाती है कैसे इन वाइल्ड एनिमल्स को ड्रॉ किया गया है एक्सी और स्किल के साथ डे स्टूडेंट्स आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टूडे Allah Hafiz and take care